हाल ही में संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद निलंबन से भड़ककर विपक्षी दलों के सांसदों ने 19 दिसंबर को संसद के बाहर मकर द्वार पर निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के समय पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आए। संसद के बाहर जितने भी मौजूद सांसद थे, सभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मजाक उड़ा रहे थे और इस पूरी घटना का वीडियो राहुल गांधी बना रहे थे। बता दें, कल्याण बनर्जी ने करीब 5 मिनट तक जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। बाद में बीजेपी ने इस मिमिक्री के बारे में कहा, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इस मिमिक्री का जवाब पत्थर से देंगे। बता दें, रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने आवास पर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी ISS प्रोबेशनर्स के बैच को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसके बावजूद भी लोग मुझे नहीं बख्शते हैं, लेकिन अगर मुझे भारत माता की सेवा करने के लिए आलोचना भी सहन करनी पड़ेगी तो इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और आप सभी लोगों को भी भारत माता की सेवा करने के लिए आलोचना सहना भी सीखना होगा। आगे जगदीप धनखड़ ने कहा, हम पर सवाल उठाने वाले लोग पुराने आलोचक हैं। आलोचक की आलोचना करने की आदत पड़ जाती है। जिन लोगों का पाचन तंत्र हमारे विकास के लिए खराब है, हम उनसे कभी नहीं डरेंगे और ना ही हमें उनसे कभी डरना चाहिए। हमें बस ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए और जब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके रास्ते से हटाने लगे तो उन लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी की ताकत जरूर दिखानी चाहिए। बता दें, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत भी की। नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं ऐसी अपमानजनक बातें पिछले 20 सालों से सुनता आ रहा हूं, मगर संसद में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा कुछ और गलत नहीं हो सकता है। तो वही दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निराशा जताते हुए लिखा, संसद परिसर में जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया है, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को खुद को व्यक्त करने के लिए हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के बाहर हुई अपनी मिमिक्री को लेकर खुद को पीड़ित बताया है। उन्होंने कहा कि एक पीड़ित ही जानता है कि आखिर दुख दर्द क्या होता है और उसे क्या क्या सहन करना पड़ता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।